और भाई भाभी को, क्योंकि पता नहीं था हम लोग का सेकंड प्लान बना है, तो वो लोग बाहर निकल गए हैं, तो वो लोग वहाँ से लौटेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। इनको अच्छे से खिलाओ, रशीद भाई को और साथ भाई दोनों को, बहुत मेहनत करी इन्होंने भाई। आप सभी को मालूम होगा कि कल सबा सनी ने अपने रेस्टोरेंट में कुरान खाने कराई और साथ में दुआ करवाई। पूरी इब्राहिम फैमिली रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन प्यारे भाई भाभी रेस्टोरेंट नहीं पहुंचे। अगर आए तो भाई आए, वो भी लास्ट में। तो लोगों को लग रहा है कि सबा सनी ने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है, तो सच क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबा सनी ने अपने रेस्टोरेंट की अभी ओपनिंग नहीं की है, रेस्टोरेंट में उन्होंने कुरान खानी करवाई है। जैसे ही सबा सनी के रेस्टोरेंट का ये व्लॉग आता है, तो इस व्लॉग के बारे में काफी सवाल उठने लगते हैं। अब हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले सवाल जब उठा, जब अम्मी और बाकी के लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और वो बाहर ही चप्पल जूते उतार देते हैं। इस पर कहा गया, क्या जब सबा सनी अपना रेस्टोरेंट चालू करेंगे तो क्या उस वक्त भी वो लोगों से यही कहेंगे, यानी के कस्टमर से, कि आप अपने जूते चप्पल बाहर निकालें? तो उनको ये सोचना चाहिए था कि रेस्टोरेंट में कुरान खानी हो रही थी, दुआ कराई गई है, और जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है तो वहाँ पर चप्पल नहीं लाए जाते। वहाँ पर पाक साफ होकर कपड़े भी साफ होने चाहिए और वजू से बैठा जाता है। जब कहीं भी पूजा हो या फिर कुरान खानी हो या फिर कहीं दुआ होती है, तो वहाँ पर अंदर चप्पल नहीं होते। तो सवाल उठाने वालों को ये बात तो समझ आनी चाहिए कि वहाँ पर दुआ हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, वहाँ पर अंदर जूते चप्पल कैसे ला सकते हैं? अभी रेस्टोरेंट चला नहीं है। तो जब किसी इंसान को इस बात की समझ नहीं हो तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जब पूजा या कोई भी पाठ वगैरह या कुरान शरीफ पढ़ा जाता है तो वो जगह पाक होती है और वहाँ पर साफ सुथरी कपड़ा हो, चादर हो या फिर चटाइयाँ हो, वो बिछाई जाती हैं और वहाँ पर जूते चप्पल पास पास नहीं होते, वो दूर ही होते हैं। ये तो थी चप्पल वाली बात। इसके बाद कहा गया कि अम्मी सबसे आगे आगे रहती है। अम्मी को कहीं भी ले जाना होता है, चाहे वो शेब दीपिका का घर हो या फिर कहीं और, तो अम्मी सबसे आगे होती है। तो आपको बता दें कि जो मुखिया होते हैं घर के बड़े, तो वो सबसे आगे ही रहते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर पापा होते तो आगे माँ बाप ही नजर आते, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए अम्मी आगे रहती है। तो ये एक बड़ों को इज्जत देना होता है, सबा हो या फिर शेब, अम्मी को हमेशा आगे ही रखते हैं और ये देखकर अच्छा लगता है। और तो और ये तक कहा गया कि अम्मी, बेटी, खाला, बाकी सभी लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, और जैसे कि इन लोगों को खाने को मिलता ही नहीं हो। अरे आप जरा सोचिए कि जब अपने बच्चे कामयाब होते हैं और कुछ भी न्याज हो या कोई पार्टीज वगैरह हो, तो घर के लोग नहीं खाएंगे तो और बाहर के लोग खाएंगे, तो क्या वो लोग पार्टीज वगैरह में नहीं जाते? अगर अपने रिश्तेदार हों या अपने बच्चे हों तो वो कोई ऐसी पार्टीज या फंक्शन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर अपने ही होते हैं आगे आगे और वो भर पेट खाते हैं। बाकी के रिश्तेदार होते हैं और आस पड़ोस के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, तो सभी खाते हैं, तो फिर क्यों उनके आंखों में चुभता है कि अम्मी, बेटी, खाला, बाकी के लोग खा रहे हैं? और मतलब अलग अलग ही अजीब सी बातें बोली जाती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं है और जो मिलता है और उस पर टूट पड़ते हैं खाने पर। वो उनकी सेहत है, वो समझे इस बात को कि हमें क्या नुकसान देना है क्या नहीं। तो हर इंसान अपनी सेहत को लेकर केयरफुल रहता है, कोई नहीं चाहता कि हम इतना ज्यादा खाएं जिससे हमारी हालत खराब हो जाए। कहा जाता है कि जब कोई इंसान खाना खाता है तो उसके खाने की तरफ नहीं देखना चाहिए कि कितना खा रहा है, ये बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है। इंसान उतना ही खाता है जितना उसके पेट में आता है, वो पेट से ज्यादा नहीं खा सकता। अगर इसे ज्यादा वो खा लेता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, और हर इंसान नहीं चाहता कि हमारी हालत खराब हो, तो वो उतना ही खाता है जितना उसकी इच्छा होती है। अब सवाल ये कि ओपनिंग की है सबा सनी ने और भाई भाभी नहीं आए, तो हम आपको यही बता देते हैं कि सबा सनी ने ओपनिंग नहीं, रेस्टोरेंट में कुरान खाने करवाई है। सबा ने कहा था कि भाई भाभी आने वाले हैं, वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं, लेकिन भाई भाभी टाइम पर नहीं पहुंचते। अगर आए तो शुएब इब्राहिम आए लास्ट में, जब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब इस पर कहा गया कि भाई भाभी को आना चाहिए था, क्या मीटिंग इससे ज्यादा जरूरी थी कि अपनी बहन के रेस्टोरेंट में वो नहीं पहुंच पाए ओपनिंग में? तो कुरान खानी में कोई इतना जरूरी नहीं था उनका आना,
हो सकता है कि दीपिका किसी मीटिंग में गई हो, मतलब शिव भी साथ में, तो कोई जरूरी काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि शिव दीपिका नहीं आते। आपने देखा होगा जब सभा सनी ने अपना नया घर लिया था और उसमें कुरान खानी कराई, तो वहां पर शिव और दीपिका पहुंचे थे। आपने देखा होगा वो रमजान का वक्त था, और जब उस नए घर में पहली बार कुरान खानी कराई थी तब भी दीपिका रूहान के साथ पहुंची थी और साथ में मम्मी भी गई थी। बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर शिव दीपिका क्यों नहीं पहुंचे, यानी कि अभी भी दीपिका शिव के मन में मतलब खटास पड़ी हुई है सभा की तरफ से। देखिए, जो जिसको सोचना है वो सोचता रहे, इससे किसी की जिंदगी पर तो असर नहीं पड़ सकता। अगर सभा और शिव के बीच कुछ चल रहा है तो वो आपस में ही इस बात को सुलझा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। अब क्या वजह है कि जो दीपिका शिव टाइम पर नहीं पहुंचे हैं, तो वजह थी सभा ने बता दिया कि वो मीटिंग में गए हैं और वो वापसी में आ जाएंगे, लेकिन वापसी में दीपिका तो नहीं आई, शिव जरूर आए। और तो और कहा गया कि सभा ने चीटिंग की है, अपनी भाभी के घर को देख कर ही अपने रेस्टोरेंट में कलर वगैरह कराया। तो इसमें क्या हुआ, अगर सभा ने दीपिका के घर को देख कर ही पेंट वगैरह कराया, सेटिंग कराई है, तो इससे कोई हर्ज नहीं है। इंसान एक दूसरे को देख कर ही सीखता है, जिसका जो चीज अच्छी लगती है तो इंसान वही कोशिश करता है कि ऐसा हम कराएं, और एक दूसरे के देख देख कर ही इंसान को आइडियाज मिलते हैं। और दीपिका ने भी काफी बार बताया है कि वो पिंटरेस्ट से काफी डिजाइन देखती रहती है, चाहे वो सूट के हों या फिर घर के हों और या फिर कोई डेकोरेशन वगैरह के, तो वो देखती रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों उठाए जाते हैं सवाल। तो अब आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि सभा सनी ने अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग नहीं की है, उन्होंने सिर्फ कुरान खानी कराई है और दुआ करवाई है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार वालों को ही शामिल किया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब सनी के अम्मा पापा हज से आ जाएंगे तो उसके बाद सभा सनी अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने वाले हैं। तो आप लोग किसी की बातों पर ध्यान मत दें और अपना आप सोचे समझे तभी कोई फैसला लें, और जो लोग बिना कुछ सोचे समझे और जाने कमेंट करते हैं गलत, तो ये मत करें। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पहले बातों को समझे परखें तब जा कर के कमेंट करें। और हम फिर आपसे यही कहेंगे कि हम सभा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सही गलत के बारे में बोल रहे हैं। अब आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।